हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और राजनीति के विज्ञान में हमारा जो फर्स्ट लेसन है न्याय, उसके बारे में बात करते हैं कि उससे अब प्रश्न कौन कौन से आने वाले। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है, 1 महीना बाकी है और प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो एग्जिट आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, तो पहला फर्स्ट प्रश्न तो है न्याय, न्याय किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में जो पाश्चात्य चिंतन थे न्याय के बारे में, पाश्चात्य राजनीतिक जो चिंतन थे न्याय के बारे में, उनमें से प्लेटो और अरस्तु है। एक प्लेटो हैं और प्लेटो का शिष्य अरस्तु दोनों हैं, तो प्लेटो का एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अरस्तु का पिछले साल यानी 2020 में आ चुका है। तो मुख्य प्रश्न बनेगा तो प्लेटो से बनेगा, और प्लेटो ने अपने न्याय को मनुष्य का आत्मिक गुण माना है। ज़्यादा मोटा मोटा कुछ नहीं, छोटा प्रश्न ही बनेगा। और जो ब्लू प्रिंट है ये, उसमें 3 प्रश्न एक एक नंबर के बने हुए हैं और 1 प्रश्न 4 नंबर का है। तो एक जो 4 नंबर का प्रश्न है जो प्लेटो का आया हुआ है, तो जो जैसे कि प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक में न्याय को, अपनी रिपब्लिक बुक में उसके रिपब्लिक बुक के 2nd और 3rd और 4th भाग में न्याय की व्याख्या की है। और उसने न्याय के 2 रूप बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, उस व्यक्तिगत में उसने बुद्धि सूर्य तृष्णा बताया हुआ है, और उसके सामाजिक में उसका ट्रांसलेट किया है, जो जो जिसमें बुद्धि अधिक अधिक होगी तो शासक बन जाएगा, और जिसमें सूर्य अधिक होगा वो क्या सैनिक बन जाएगा, और जिसमें तृष्णा लालसा है होगी तो वो उत्पादक वर्ग बन जाएगा, मजदूर वर्ग बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये। और अरस्तु का, अरस्तु का सौभाग्य से प्रश्न आने वाला नहीं है क्योंकि पिछला साल आ चुका है, 2020 में आ चुका है। अब बात करते हैं मध्यकालीन न्याय के जो विचारक थे, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास दो हैं, तो उसमें से मुख्य प्रश्न बन सकता है संत ऑगस्टाइन की बुक का नाम द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत। संत ऑगस्टाइन ने अपनी बुक में ईश्वरीय राज्य सिद्धांत दिया, यानी संत हैं, अगर संत हैं तो संत की बुक ईश्वरीय की प्रति होगी, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। और बुक का नाम द सिटी ऑफ गॉड, गॉड का नाम है, संत है तो उसका आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसकी परिभाषा थोड़ी बहुत देख लेना। और सेकंड बात होता है थॉमस एक्विनास, तो थॉमस एक्विनास की परिभाषा और थॉमस एक्विनास की जो परिभाषा और उसने जो समानता बताई है उसके बारे में देखना है, मेन मुद्दा ये। ठीक है, और अब आता है मध्यकाल में, आधुनिक काल के राजनीतिक न्याय के बारे में चिंतक, तो उसमें डेविड ह्यूम है। एक तो डेविड ह्यूम ध्यान रखना, डेविड ह्यूम का छोटा प्रश्न बन सकता है। डेविड ह्यूम ने बताया कि कानूनों की पालना करना ही न्याय है, और सभी के लिए समान प्रकार के न्याय बने हुए हैं, और कानूनों की पालना करना भी न्याय है, डेविड ह्यूम ने बताया। और सेकंड उसमें है बेंथम, तो उपभोक्तावाद के जनक बेंथम है, और उसने बेंथम ने जो भी परिभाषा बताई है वो देखनी है। ठीक है, और अब तीसरा उसी में है आधुनिक काल में मिल, तो एक मिल के बारे में देखना है, डेविड ह्यूम के बारे में देखना है, और बेंथम के बारे में देखना है, और मिल के बारे में देखना है, ये तीनों देखना है। और छोटी छोटी परिभाषा कुछ छोटी